और पूरे साल में एक बात करता रहा हूँ आपसे कि दुरूद शरीफ और अस्तगफार दोनों साथ पढ़ा करें, दुरूद शरीफ अस्तगफार दोनों चीज़ का इतना अंदा लगा लें। एक कुछ अरसे से मैं कुरान करीम की भी काफ़ी बात कर रहा हूँ, जब से मेरी तबीयत का मामला बना, इससे पहले से कुरान करीम बात कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट ऐसी सामने नज़र आई, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान पाक उतारा शेबे कदर में 23 साल तक जिब्रील लाते रहे, इकरा से शुरू हुआ नाश्ता खत्म हुआ, पूरा होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 रोज़ के बाद पर्दा फरमा गए। तो कुरान करीम पूरा उतर आया ना, पूरी नज़ूल हो गया, 23 साल तक उतरता रहा थोड़ा 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 थोड़ा, 7 दिन के बाद पर्दा फरमा गया। तो ये बाहर वालों ने रिसर्च किया है, मैंने पूरे साल बयान में कहा कि मेलबर्न का इसका उसका, कि अगर मुसलमान कुरान करीम को पकड़ लें समझने लग जाएँ उसके बाद सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा अमल करना शुरू कर दें, सुन्नत को बहुत सारी सुन्नतें हैं हम कर सकते हैं, दानिश्ता नहीं करते, वो प्रैक्टिकली तरीकत लेकर आए थे। लेकिन क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 30 साल में कुरान करीम के नुज़ूल के बाद वो मकसद पूरा हो गया और 7 दिन के बाद पर्दा फरमा गए? इतनी बड़ी अहमियत की चीज़ थी कि हमने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है, हम हर किताब पढ़ लेते हैं, हर बुजुर्गों की किताब पढ़ लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन कुरान करीम से हमारी कहाँ तवज्जो चली गई? ये वेस्टर्न वालों ने रिसर्च की कि अगर ये मुसलमान दोबारा कुरान करीम के ऊपर आ जाएँ और इसको समझने थोड़ा सा लग जाए, कुरान करीम पढ़ना समझना देखना सब हिदायत का ज़रिया है, तो हिदायत का ज़रिया है उसको तो हमने बंद कर दिया है। आप देखिए ना कितना बड़ा मिशन लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे कि कुरान करीम का नुज़ूल पूरा हुआ और 7 दिन के बाद पर्दा पड़ा, और हमारे पास तो कुरान करीम आ चुका, इसके बाद हमें 60-70 साल की ज़िंदगी दे दी गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि उम्मत की उम्मत 60-70 साल है, इसके बाद तो 60-70 साल के अंदर हमने इसे तवज्जो ही नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन पूरा करके 7 दिन के बाद चले गए, एक मिशन था प्रैक्टिकली करके दिखाया कि यूँ करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और ऐसा करने के बाद जब पूरा काम हो गया तो चले गए। तो मेरे दोस्तों एक गुजारिश है कि हमेशा पूरे साल का ये मामूल बना लें कि अस्तगफार दुरूद शरीफ, और अभी जो रातें हैं इसमें तो आपका अस्तगफार अल्लाहुम्मा इन्नका फून करीम, हमारा अल्लाह ताला बार बार फरमा दें, तुहिब्बुल अफ़ाफ़ा अन्नी, अपने लिए करें तो अन्नी, पूरी उम्मत के लिए करें तो अन्ना, है ना, अल्लाहुम्मा इन्नका फून करीम तुहिब्बुल अफ़ाफ़ा अन्नी और दुरूद शरीफ, ये दोनों चीज़ें जब जिसके पास होगी, उस ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई आपको पढ़ के भी पूरी उस किताब से भी सुनाया है, जब दोनों चीज़ें होंगी तो आफत मुसीबत परेशान हल्की फुल्की आएगी टल जाएगी, दोनों चीज़ें पकड़नी है। लेकिन अब तीसरी बात जो पकड़नी है वही कुरान करीम, जो हुफाज हैं वो तो रोज़ का एक बार रमज़ान के बाद पढ़ सकते हैं, आखिरी दिन है, इसके अंदर एक मिनट ना खाने का ना पार्टी का ना दोस्तों में बैठने का ना चाय में जाने का कोई टाइम नहीं है, किसी वक्त एक मिनट ज़ाया नहीं करनी है। देखो तंदुरुस्ती है, सेहत है, ज़िंदगी है, फिर पता नहीं आती है नहीं आती है, फिर वक्त मिलता है नहीं मिलता है, कोई नहीं, नो शॉपिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है ना, एक तरफ हो जाइए। और तीसरी जो बात अब जो शुरू की हमने वो कुरान करीम की, कुरान करीम देख के भी पढ़ना है, तफसीर पढ़नी है। जो हुफाज हैं वो तो रमज़ान के बाद भी एक बार रोज़ पढ़ सकते हैं, तसली के साथ पढ़ें, और एक सूरत पूरे महीने के अंदर आप वल असरी ले लेना, या हम इमाम साहब हमारे मक्का मस्जिद में अक्सर ये पढ़ते हैं, या तो नफ्सुल मुतमईना इर्जी ला रब्बिक राज़िया तुम बर्दी फतकुली फी इबादी वतकुली जन्नती, इसको देखे तो सही तफसीर में है क्या, ये खाली इतना सा निकाल के तो देखे, तो महीने में कम अज़ कम एक सूरत छोटी सी हो, कभी बड़ी सी हो, कभी 2 महीने में एक सूरत निकल जाए, सो मोमिन आप लेंगे बड़ी सूरत ले लेंगे तो बड़ी है, तो 2 महीने उसमें निकाल दीजिए उसको पढ़ने के अंदर। आपका फरासत हमारी जो है ना, अकल और फहम जो खुलती है ना, वो कुरान करीम से खुलती है, और कुरान करीम का प्रैक्टिकल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तबा करके आपको बता दिया, हमको बता दिया, ठीक है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको इल्म है शबे कदर कितनी बड़ी चीज़ है? लैलतुल क़द्र खैरु मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीने से ज़्यादा सवाब और ज़्यादा बेहतर है, 1000 महीने के बराबर नहीं है, उससे बेहतर है। कोशिश करें कि देखिए आज 21वीं रात है, 29वीं रात तक एक कुरान करीम ख़त्म हो जाए, हम सब ख़त्म इंशाल्लाह कर सकते हैं, कोशिश कर लें ख़त्म कर सकते हैं, अगर हमारी प्रियोरिटी होगी तो। अगर हमारी प्रियोरिटी नहीं है, दूसरी चीज़ें, कोई चीज़ के ऊपर तवज्जो ना दें, इस साल आप लगा दें और जब पढ़ लें तो आखिरी में 3 जितना भी पढ़ लें आखिरी में जो 3 लाइन अल्लाहुम्म आनी सुहाशती फी कब्री अल्लाहुम्म अरहमनी बिल कुरदर बिन नास के बाद हैं 3 लाइनें, उसको याद हैं आप तकरीबन लोगों को, उसको पढ़ लिया करें तो ये फहम और फरासत और जो अंदर आएगी ना, तो वो ऐसी बात आएगी जो दुनिया की किसी किताब से नहीं आ सकती। ये तो अंग्रेज़ों ने एनालाइज करके कहा कि अगर ये मुसलमान हैं इनको कुरान से दूर करो, भाई
किसी तरह भी दूर करो, अगर ये कुरान के अंदर आ गए तो ये दुनिया के अंदर फतह कर लेंगे। क्या हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने 22,000 स्क्वायर मील का उन्होंने फतवात की, उनके पास एटम बम था, मिसाइल थे, टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था। हमारे पास सब कुछ होने के बाद उसको चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, कुछ भी हम नहीं कर सकते। ये अल्लाह का फजल मांगना है, और फजल वाले काम रुजूलल्लाह से आते हैं, और रुजूलल्लाह कब होता है, जब ताल्लुक होता है अल्लाह से। ताल्लुक माल्ला पैदा होगा कुरान करीम से, और दिन में क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, किताब नहीं है, बस दिन का जो वजीफा है वो अस्तफा दुरुशरी, अस्तफा दुरुशरी। और जब बैठ जाए कहीं भी, और देखिए ऐसी किताब रखी है जेब के अंदर, है ना, एक किताब ख़त्म हो जाए, आपने कितनी एक रुकू दो रुकू भी पढ़ ली, आपने फ़ौरन उसको टिक मार्क कर लेना है। अब ये 15:15:0 था, 15वां पारा मैंने शुरू किया, ठीक है, अब ये 7 रुकू पढ़ी, 15:07 लिख दिया, एक जेब में कार्ड रखा करें, 2 रुकू का टाइम मिले तो भी पढ़ ले। मैंने अरबों को रियाज में देखा, जिदा में देखा, बड़े बड़े शेख लोगों को देखा, उनके तो बीच में रैक पड़े होते हैं कुरान करीम के। अगर 2 रुकू का भी टाइम होता है, 2 रुकू में 3 मिनट लगती है, 4 मिनट लगती है, स्लो पढ़ने वाले 5 मिनट लगे, वो उठा लेगा फिर फौरन फौरन उसके ऊपर लिख लेगा। इसको कुरान करीम को पढ़ना नाजरा, जब बैठेंगे तो नाजरा पढ़ेंगे, आप जहाँ भी होंगे पढ़ेंगे, 5 मिनट आप कुरान उस मशीन में दे रहे थे, 5 कुर्सियाँ लेकर बैठना, बातें करना, या करना, कोई वक्त ना दे, किसी को भी टाइम ना दे, हमारे पास कोई फजूल वक्त नहीं काम करने के लिए, कोई भी है ना, एक एक मिनट कीमती, वहाँ एक ही चीज़ का रिग्रेट होगा लाइफ में, अशर के मैदान में, तो हमने ये वक्त ज़ाया किया। ये पार्टियों में, दोस्तों में, ना कोई दोस्त काम आता है, ना कारोबारी काम आता है, ना दुनिया काम आती, कोई भी नहीं। अल्लाह का फजल होना तो काम आता है, रास्ते निकलते हैं, अल्लाह का फजल नहीं हो तो कोई रास्ते नहीं निकलते, कुछ भी नहीं बनता है ना। लैलतुल अज़र में तनज़ुल मलाइक व रूह फिया, फरिश्ते उतरते हैं, अल्लामा राज़ी लिखते हैं कि फरिश्ते अपनी उतरते हैं, और जो फसाद करते हैं, तोड़ते हैं, सुलह कता रहमी करते हैं, वहाँ उनके ऊपर नहीं आते, उनके ऊपर कोई फजल नहीं होता। जिब्रील भी जमात के साथ आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अफजल अशरफुल मखलूकात बनाया, कुर्ब और नदामत देकर अफजल कर दिया। अल्लाह ताला जो राज़ी होते हैं ना, कभी आपका थोड़ा सा, आप जब बैठ के कुरान करीम पढ़ लिया, इतना आपके पास कैजुअल होना चाहिए, इसके बाद मैं इतने टास्क से रुजू करूँगा, अल्लाह से रोऊँगा, अल्लाह से मांगूँगा। जब अल्लाह से नदामत के साथ मांगते हैं, अल्लाह ताला एक ही तो है, ये लोग है अल्लाह, कितने प्यारे हैं, कितनी या यू लजी नाम 90 से ज़्यादा दफ़ा कहते हैं, ए मेरे प्यारे ईमान। क्यों? अल्लाह को हमारा कुर्ब पसंद है, कुर्ब नदामत पसंद है। हम जब नदामत के साथ आह फिगा करते हैं, देखिए जो देने वाला होता है, बड़ा होता है, उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब कोई आता है, वो देता है, स्कॉलरशिप देता है, कुछ भी देता है, उसको खुशी होती है। अल्लाह पाक है, खालिक रियाद है, खालिक पाकिस्तान है, खालिक दुनिया है, तमाम जितने आलम है उसके खालिक है, जब उससे मांगते हैं। ऐसा ना हो आपने कुरान करीम पढ़ना है, फिर उसको फॉर्मेलिटी कर दी, इसको बंद कर दिया, ना ये किया ना मांगा, ध्यान। अगर कुरान करीम एक पारा पढ़ ली, आधा पारा कर लें, जो हफाज नहीं है वो 2 महीने में 1 महीने में ख़त्म कर लें, रोज़ का आधा पारा तो पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास आधा पारा पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है, तो मतलब ये है कि हम अपनी अकल से, अपने फहम से, अपनी फरासत से कामयाब होना चाहते हैं। ना रूहानी कामयाब हो सकती है, ना जिस्मानी, ना तंदुरुस्ती, ना कारोबार, ना हालात, कुछ भी कामयाब, कोई अहमियत किसी चीज़ की भी नहीं है। कुर्ब नदामत देकर अफजल कर दिया, हम सिर्फ अफजल इसके लिए कि हमें बस अफसोस करने के लिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए अल्लाह। और जैसे हमारे रज़ा वाले ने फरमाया, ये रातें ना सिस्की लेके रो के मांगने का है, सिस्की लेनी है, मांगना है, करना है। सुबह सबका आज 21 है, कल हम 150 ऑफिस जाएंगे, परसों 5 रातें हैं, 21, 23, 25, 27, थोड़ा सा टाइम लगा दे, देर से जाएँ, पहले जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुर्ब नदामत की वजह से अफजल है, जो अफजल है वो नदामत है, और नदामत पैदा होगा ताल्लुक से, ताल्लुक रुजू लिल्लाह से होगा, इसके बगैर नहीं। वापसी भी इकराम के साथ अशर मक्का, देखो ना इंसान को कैसा बनाया, हिंदू होते हैं उसको जला देते हैं, हम BBS पारसी स्कूल पढ़ते थे तो पारसी मरता था तो जाकर चीलों को दे देते थे, बड़े बड़े उनके आते थे, जानवर खा लेते थे। हम तो अशर मखलूकात कैसे हैं, हमें तो कंधों में ले जाकर कब्र में जाकर दफनाते हैं, हमें मरने के बाद भी कंधों में ले जाते हैं, हम कैसे हैं? क्योंकि सिर्फ कुर्ब, कुर्ब नदामत हमारे पास है ना, कुर्ब नदामत। और शुक्र और सब्र के अंदर, हर वक्त पूरे दिन के अंदर आपके मुंह से शुक्र निकलना चाहिए, कोई शिकायत नहीं निकलनी चाहिए, कोई बात नहीं निकलनी चाहिए। इकराम के साथ कंधों पर अजमत वाली अजीम है, बेइज़्नी रब्बी मिन कुल्ली अमरिन सलाम, रात भर फिर मोमिन पर सलामती की दुआ और रहमत खुदावंदी नज़ूल होती है, हत्ता मतलब यहाँ तक कि फजर तक जो आपस में कता रहमी करने वाला होगा, बुक्स रखने वाला होगा, वो अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, अल्लाह ताला सबको हिदायत। और सबसे आसान तरीका बताऊँ इसका ये है कि सबको माफ़ कर दीजिए, उसको कहिए ना, कहीं अगर कहेंगे तो उसका जो अंदर का आना है, अंदर का बीमारी है वो बढ़ जाएगी। अब दिल दिल में कह दें,
अब दिन में कहते जैसे भी आएगा मैं उसके साथ सलूक कर लूंगा, इसके तरह उसको माफ कर, किसी के लिए ना रखें। किसी ने कितना भी जुल्म किया, कोई रिश्तेदार ने, कोई शादी में आया, कोई नहीं आया, कोई किसने कुछ किया, कोई भाई ने किया, कोई रिश्तेदार ने किया, किसी ने बहन ने किया, किसी की सास ने किया, कुछ भी किया, तो माफ करें, ऐसा माफ करें अल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको पढ़ के भी उनको बख्श दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ बर्दाश्त कर रहे हैं, बद्दुआ रमज़ान मिले और बख्शिश ना करवाई वो हलाक हो जाए। जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की रहमत भी हट गई, उससे तो अल्लाह की रहमत हट गई। आप देखें कितना हमारे यहाँ हम देखें कि रोज़े का भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ने रोज़े रखने की तौफीक दी, है ना, रोज़े रखने की, तरावी की तौफीक दी, नमाज की तौफीक दी, और दूसरी कोशिश ये करनी तकबीर उल्लाह के साथ नमाज पढ़नी है हमें, कोशिश ये करें तकबीर उल्लाह, वहाँ पहुँचते हैं तो भी बाहर खड़े होते हैं एक रकात से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाता है तो पढ़ते हैं तकबीर उल्लाह। इसको कहते हैं कि जब इमाम अल्लाह अकबर कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उससे पहले आपने भी नियत करके हाथ बांध देना है, इसका अजर बहुत ज़्यादा है। इसका सवाब यह है कि आप अपनी ख़ास तवज्जो के साथ रुजू लिल्लाह कर रहे हैं, आप अपनी फिक्र के साथ, ये आप सिर्फ निपटाने के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं इसके अंदर, है ना, कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं आएगा, अपने मामलात में दरगुजर फरमाएंगे मगर आपस के हुकूक बगैर दिए हुए नहीं छोड़ते। हुजूर ने फरमाया मुफलिस नेक आमाल मगर किसी को गाली दी, किसी को हर्ट किया। आज हमारे पास एक बुजुर्ग आए थे, मैं इसके बाद थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ी 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा हो जाए तो हेल्प तो नहीं है ना, इंशाल्लाह आफियत फरमाए इंशाल्लाह, ठीक है। आज एक मेरे पास बुजुर्ग आए थे, बड़े मशहूर आदमी हैं, बड़े काम के आदमी हैं, और मेरी निगाह में मैंने बड़े अच्छे मुजाहिद लोगों में इनको मैंने पाया है। उम्र के लिए जा रहे हैं आप, उम्र के लिए नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने भी अजीब बात की, बोला भाई उम्र नफली इबादत है, उम्र नफली इबादत है, और ये यहाँ पर इतने लोग परेशान हैं, इतने कितने जगहों पे इतने काम, इतनी जगह उनकी लगी हुई है, इतने सारे काम कर रहे हैं वो लोग, इतने लोग परेशान हैं, इतने परेशान हैं, परेशानी को मैं लगा हुआ हूँ ना, मैं इनकी परेशानियों को दूर करने, मैं तो अल्लाह पाक दूर करते हैं, लेकिन मैं उसमें काम आता हूँ, जरिया बनाता हूँ। जैसे हमारे पास पहले भी मुफ्ती जमील साहब थे, हर जगह पहुँच जाते थे, हर जगह चले जाते थे, मुफ्ती जमील के बाद मुझे ये एक शख्स नज़र आया, है ना, ये बुजुर्ग नज़र आए, हर एक का काम करना, पहुँचाना, कुछ किसी को अनाज, किसी को राशन, किसी को फलाना, किसी को ये, बोला ये ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुबहाना व ताला का कुर्ब और जो मिलता है ना, मार्फत मिलती है ना, वो हुकूकुल्लाह से तो करना ही है, वो तो उसमें तो कोई आप नवीनता नहीं करते हुकूकुल्लाह करके, वो तो हमने अल्लाह ने इतनी नेमत दी इसका शुक्राना है हुकूकुल्लाह करते, लेकिन हुकूकुल्लिबास से मिलेगा, जो कुछ मिलना है हुकूकुल्लिबास से मिलना है, अल्लाह का कुर्ब मिलना है, अल्लाह की मार्फत मिलनी है, है ना, अल्लाह की विलायत मिली है हुकूकुल्लिबास से। हम हुकूकुल्लिबास इसको कहते हैं कि हम दूसरों के काम आए, दूसरों के खुशी में हम खुश हों, दूसरों के हम अच्छी सोच रखते हों। बात तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई असल चीज़ है हुकूकुल्लिबास, यहाँ लोगों के अंदर खाने के लिए नहीं है, राशन नहीं है, तकलीफ में है, पर तो वो मैनेज करते हैं, बड़े लेवल के ऊपर है, बड़े मैनेज करते हैं, इधर किया उधर किया, फलाना किया, इसके साथ गए, फलाने दोस्त के पास चले गए, उससे कुछ समझाया कि उसने राशन दे दिया, उसने फलाना दे दिया, इसके लिए बहुत वक्त चाहिए ना, एक्टिव खुदा होना पड़ता है इसके लिए। तो अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद की पूरे साल हमने खुशी करनी है, ऐसा ना हो कि हम ये ईद के पूरे रमज़ान में ताकरातों में हमने जो कमाया चार ईद के तीन दिनों में हम चार दिनों में हम ज़ाया कर दें, कमाया या ज़ाया कर दिया, है ना। हबीस तरीन सूद है, हम किसी की आबरू तो ऐसे बेआबरू करते हैं, मज़ा लेकर बेआबरू करते हैं। हुजूर ने फरमाया मुसलमान की आबरू रेजी खबीस तरीन सूद है। हम सूद के लिए तो बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन किसी की बेआबरू करना तो हमारे लिए, किसी की बात करना, किसी की गिबत करना, ये वैलुलिल मुत्तफिक वैलुलिल क्या सूरत वैलुलिल हुमदिल्लु मज़ा, पहली वहाँ से शुरू करना तफसीर, जो आप शुरू करेंगे ना पहली सूरत पढ़े तो पूरी वही कुल्ली हुमजत लो मजा, है ना, लदी जमा माल वादा था यह सब अन्ना माल अखदा कल्ला ले मजन नफिल होता मती वमा अदरा कबल तुमा, क्या है ये, इसको पहली सूरत से शुरू करना आसान कुरान के साथ। अगर इसमें फिर दिलचस्पी बढ़े तो तफसील के साथ आप कहेंगे जो भी कहेगा, तो इसकी जो जिल्दों में कुरान है मैं वो भी मंगवा दूंगा 7 जिल्दों में, लेकिन उसका काट आए ना, आसान कुरान से ही देख लेना, इस सूरत से शुरू करना, इस सूरत को पढ़ लेना, इसको तो ये ताकरातों में पढ़ लेना या बगैर ताकरातों में पढ़ लेना, इस सूरत से शुरू करना, फिर जो भी समझ में आए वाला सही पढ़ना, इन्ना आते ना तो पढ़ के देखें। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ के अंदर ये मिला था इन्ना आते ना, एक कोटा मुकर्रर कर लें कि 100 दफ़ा 40 दफ़ा 11 दफ़ा 21 दफ़ा इतना आते इतना पढ़ के, वो एक्सक्लूसिवली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किसी के लिए भी ना हो, इसमें शेयर ना करें। हम तो कुरान पढ़ते हैं, आपने कुरान पढ़ा तो हमने पूरी उम्मत के लिए बख्शा,
जितने हमारे मुतलकिन इंतकाल कर गए सबके लिए बख्शा, सबको बख्श दे, लेकिन कुछ ऐसी अमाल करें जो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अमाल करेंगे तो सुन्नत आ जाएगी या सुन्नत से प्यार हो जाएगा, सुन्नत से प्यार हो जाएगा। सुन्नत है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका प्रैक्टिकल लेकर आए थे, लेकिन जो आईन है हमारा, जो हमारा पूरा जो है वो कुरान करीम है, उसको हमने हर हालत में और घर में खातिन को, औरतों के, बच्चों को, सबको बताना है कि पढ़े पढ़े तो इसको ध्यान दे इसको, ठीक है। ये आबरू रेजी कैसी चीज़ है, हर्ट करना किसी को। यहाँ उम्रे के लिए गया एक शख्स है, मैं नाम नहीं लेता, बड़ी बड़ी मुझे तकलीफ पहुँची, बड़ी थकावट, दिल आजारी भी, दिल आजारी करके आप उम्रे, आपने तो काबतुल्लाह यहाँ ढा दिया। किसी को हर्ट करना ऐसा है जैसे काबतुल्लाह को ढा देना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने ना, काबतुल्लाह तेरी अजमत बहुत है, लेकिन किसी की आबरू, किसी की इज्जत, किसी का माल इससे ज़्यादा, किसी मोमिन का, आप तो ये उम्मीद उसने जन रखते हैं ना, सब मोमिन बैठे हैं, विलायत वाले लोग बैठे, अल्लाह वाले लोग बैठे, किसी को हट कर दे क्या बात है, ठीक है। तीन दिन कता ताल्लुक रखे इस हालत में मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा, कता ताल्लुक किसी से नहीं रखे, कैसा भी किसी ने कुछ किया हो, किसी किस्म के कोई भी काम किया हो। हुज़ूर के इरशाद है, पीर और जुमेरात अल्लाह के दरबार में आमाल पेश होते हैं, नेक आमाल की वजह से अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है मकसद के लिए। मुशरिकों के अलावा झगड़ा करने वाले को रोक कर कहते हैं, रुक जाती है उसकी, और कहते हैं जाओ सुलह करो, पहले सुलह के बगैर नहीं बात करेंगे। और जो हमारी लैलतुल, हमारी तो फिर मुलाकात इंशाल्लाह इतवार को ही होगी, इतवार का ही होगा। ईद की रात का जो एक अमल है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम बुजुर्ग फरमाते हैं लैलतुल ईद की सुबह होती है तो रात को वो बहुत अफजल रात है, उसको कोई विंडो शॉपिंग कुछ भी नहीं करना है, कुछ ये करनी है कि चौथा कलमा है अगर पढ़ सके, वैसे तो बुजुर्ग जितने हमारे 400 दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन आप 100 दफ़ा पढ़ लें, 40 दफ़ा पढ़ लें, रात को पढ़ना है, उसके दिन तहज्जुद भी पढ़नी है, फजर की जमात से नमाज़ पढ़नी है, फजर की जमात के बाद तकरीबन मस्जिदों में नमाज ईद की हो जाती है, ठीक है, तहज्जुद पढ़नी है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, और कोशिश करना कि ये रातों के अंदर तस्बीह नमाज हमारी हो जाए। तस्बीह नमाज तीसरा कलमा जो है, ये ऐसा है कि वहाँ पर अल्लाह सुभान व तआला के इतना कबूल और मकबूल है, मुझे हुस्ने ज़न है इंशाल्लाह, अगर ये तस्बीह नमाज पढ़ लें अल्लाह के कबूल हो जाए तो क्या अल्लाह के लिए मुश्किल काम है, अल्लाह ताला हमें क्या से क्या अजर इसका दे देते हैं। और अहम बात हो दुआ शब कदर की तो सबको याद है ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, तो फिर पूरे साल अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्हय्युल क़य्यूम वअतूबु इलैह, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, हमने पढ़ना है, ठीक है। पर्दे उठे हुए भी हैं उनकी इधर नज़र भी है, पर्दे उठे हुए भी हैं उनकी इधर नज़र भी है, बढ़कर मुकद्दर अज़मा सर भी है संग इधर भी है। असल में आह जो है ना हमारी आह, आह आ सकता है, देखो मजलूम की बीमार होता है उसकी, और जो अल्लाह से रुजू करता है उसकी आह जाती है। हमारे मुसलमान सब लग गए दुनिया की शोर शराबे के अंदर, वाह वाह के अंदर लग गए, जब वाह वाह के अंदर लग गए तो फिर हमने तो मखलूक के साथ अपने आप को जोड़ लिया ना, जब मखलूक के साथ जोड़ दिया तो अल्लाह ने अपना फजल हटा दिया, हम अल्लाह से जुड़े हुए रहेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से होने का यकीन हम करते हैं, अल्लाह से होने की यकीन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ से करते हैं या अंदर नहीं है हमारी बात, अंदर हमारा ताल्लुक अल्लाह से वो नहीं है, खाली इससे सतह ही हमारा ताल्लुक आता है। एक चांद रात का मैंने आपको बता दिया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की बरस की नबूवत मिली, काफरों पे फतह याबी मिली 950 साल के बाद, ठीक है। मूसा को दरिया पर सलामती का वारिस बनाया, दरिया दो टुकड़े हो गए, इब्राहिम को आग से निजात पाने का वारिस बनाया, हुजूर पर सलाम भेजा और शिफात का वारिस बनाया। हम कितने खुश नसीब हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के, कितने खुश नसीब हैं, है ना। और हमारी कॉल, हमारे फेल, हमारी बात में हर आदमी तकलीफ में आता है, माशरत में आता है, मामलात में आता है, अखलाक में आता है, कभी गुस्से हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कभी कभी हम टेंपर लूज़ कर लेते हैं ना किसी चीज़ के अंदर, किस तरह टेंपर लूज़, मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी कभी जब आप ये आस्था, वैसे तो अल्लाह वाला को अल्लाह जब गुस्सा आ जाए आप जब आपका टेम्परेचर देखें कि फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है, गुस्सा आना शुरू हुआ है, अरे कोई गाली दे देगा आपको, गाली देगा तो लग थोड़ी जाएगी,
अगर आप उसको माफ़ कर देंगे अल्लाह के लिए, आपके कितने दर्जे बुलंद हो जाएंगे। जब ऐसा गुस्सा शुरू हो ना टेम्परेचर, अल्लाह वाला वाला फूटते अल्लाह पर, उसी वक्त आपको देखिए आपको इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। हुजूर पर सलाम भेजा और शिफात का वारिस बनाया और आपकी उम्मत पे शब कदर में सलाम भेजा। सुनिएगा ऊपर से, हुजूर पर सलाम भेजा और शफात का वारिस बनाया और आपकी उम्मत पे शब कदर पे शब कदर में सलाम भेजा और उनको रहमत का वारिस बनाया। आज तो जिसके लिए भी दुआएं करेंगे ना, आज की रात में क्यों 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, इंशाल्लाह ठीक है। थोड़े से मेरा तो काम नहीं है शार पढ़ना, शार पढ़ना तो हमारे सामान भाई का है, लेकिन एक मैं मुझे बहुत अच्छे अंदर देखता हूँ, सबकी पीछे बैकग्राउंड के अंदर वाह वाह होती है कि मुझे शोहरत मिले, मैं कामयाब हो जाऊँ, मेरी बात अच्छी हो जाए, मुझे अच्छा कहें, मुझे अच्छा लगे, है ना, सबकी इस बात की होती है बैकग्राउंड के अंदर। तो आह फिर कहाँ से आएगी, वो तो वाह वाह के अंदर चला गया, वो तो सर्कल से निकल ही गया ना, वाह वाह के सर्कल में, जब वाह वाह के सर्कल में कहाँ से उसको मिलेगी। आप कुर्बानी दे दें फिर किसी को जिक्र ना करें, किसी को बात ना करें, किसी से कुछ ना करें, करते रहे, डरते रहे, डरते करते रहे, डरते डरते अल्लाह ताला सूरह उठा ले। अब ये सुन लीजिए थोड़ा सा, आ जाती है, आ की बात हो रही थी ना, आ जाती है असर को खींच लाने के लिए, असर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो असर है ना, आ जाती है असर को खींच लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ये तो हज़रत ज़ुल्फ़िकार नक़शबंदी साहब पढ़ते हैं, जब ऐसे रोते हैं लोग, ऐसे रोते हैं, अभी तो पढ़ना नहीं, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं उनकी कोशिश करता हूँ कि हम नकल तो कर सकते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नकल को ही देखते हैं ना, नकल को भी, नकल के अंदर ही अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह ताला इतने करीम है, माँ बाप से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। आ जाती है असर को खींच लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे तो राह जाने के लिए, ऐ दुआ फरियाद कर अर्शे बरी को थाम के। आज शबे कदर की ये दुआ है, ऐ दुआ फरियाद कर अर्शे बरी को थाम के, ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिश है याब के। अब मुसलमान पूरे दुनिया के अंदर गर्दिश आई है, परेशानी के अंदर, हर जगह परेशानी के अंदर, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा परेशान। पाकिस्तान के लिए आज रात को खुसूसी दुआ करना, काफिलों के लिए दुआ करना, इनको ईमान वाला बना दे, ईमान वालों को तकवा अता फरमा दे, और तकवा वालों को जितने भी हैं खुसूस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह नेक हुक्मरान अता फरमा दे, अच्छे लोग अता फरमा दे। हमें पता नहीं है क्या सियासत, किसकी सियासत, किसकी लगाम किसके हाथ में, हमें कुछ नहीं पता। अल्लाह हम आपको जानते हैं, आपकी रहमत बहुत वसी है, आपने उमर रज़ी अल्लाह ताला को हिदायत दे दी, अल्लाह बगैर मांगा भी हिदायत दे दी, अल्लाह हमारी सफ़ेद बालों की राज रख लेना, इस मुल्क को बचा लीजिए। ऐ दुआ फरियाद कर अर्शे बरी को थाम के, ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिश अय्याम के। खलके रांधे हुए और दुनिया के ठुकराए हुए, खलके रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए, आए अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। रहम कर अपने ना आईना करम को भूल जा, रहम कर अपने ना आईना करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। अल्लाह हमें नहीं भूला है, अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला इंतज़ार करके बैठे हैं कब ये लौटेगा, कब हमारे पास वापस आएगा। जैसे औलाद का फिक्र करते हैं कि लौट कर आने वाला है, वापस आता है तो हमें तसल्ली हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ होने के बावजूद हमारा इंतज़ार करके बैठे हैं, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू नाम को भूल जा। हक परस्तों की अगर की तू ने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ख्वार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, ख्वार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है, उम्मत में से हैं। अल्लाह ताला हमें आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। असल चीज़ है देखिए आमाल की, आमाल के अंदर अभी तो हम थोड़ा से हो सकता है शायद कर भी लें, आखिरी रातें हैं इंशाल्लाह कर लें, लेकिन इसको स्टोर करना है। और फरमाया ना हज़रत वाला ने कहा अगर अल्लाह वाला बनना चाहते हैं तो एक आपको अच्छा पायलट होना चाहिए, पेट्रोल पूरा होना चाहिए और स्टीम पूरी होनी चाहिए। लेकिन स्टीम तो पूरी होती है हमारे पास, पायलट भी हमारे पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास पेट्रोल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, किसी न किसी तरह मुसलमानों के पास है ये पेट्रोल, पानी वाला पेट्रोल नहीं, ताकत है, ये है, इज्जत है, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ है, और जिक्र बहुत है। उम्रे के लिए आप देख लीजिए, पहले इतने आदमी थे, मैंने ये देखा है वहाँ पर हरम काबतुल्लाह के सामने फजल में आगे सफ़े होती थी, मैंने एहतराम या कुछ थानवी भाइयों में से थे वहाँ बैठ कर सामने बना देते, मकबूल पड़ते थे, लाल कारपेट लगे होते थे, लोग नहीं होते थे। अब इतनी सारी आबादी हो गई, इतने सारे होने लगे, स्टीम तो बहुत पैदा कर ली लेकिन इसकी प्रिजर्वेशन नहीं है, इसको संभाल नहीं पा रहे, इसको हम ज़ाया कर देते। हमारी हमारा रिश्ते लाल, हमारा कारोबार, हमारा मामला, हमारे माशरा, स्टीम को बचाना है। स्टीम हमारी जो आमाल पैदा होंगे, जो सवाब पैदा होगा, जो नेक आमाल हम करेंगे, जो नेकियाँ हमारी जमा होगी,
फरमाया कि इतनी समंदर के जाप के बराबर आपने ये नफल पढ़ी तो मिलेगी आपको, तो और मिलेगा। लेकिन किसी को हर्ट कर दिया, किसी का मामला खराब हो, सब क्यों होते हैं, माफ़ी मांग लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ कर लीजिए, अल्लाह से मांग लीजिए। अल्लाह माशरत के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता कि सबका सब ठीक हो, बहन के साथ, सास के साथ, फलाने के साथ, इसके साथ, रिश्तेदारी के साथ, किसी न किसी के साथ जाकर हाथ जोड़ लीजिए, माफ़ कर दीजिए, किसी ने जुल्म किया तो उसको माफ़ कर दीजिए। इसको प्रिजर्व करना है, ये ईद के दिनों के बाद ऐसा ना हो कि हमने सब ज़ाया कर दें रमजान करें। मुसलमान थे जीरो चक्कर की लगा, वो बेल वाला हिसाब चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते, उसके अंदर हमारे को रास्ता कोई हमें नहीं मिलता, रास्ता निकालना है। कुरान करीम करेंगे कोशिश तिलावत करने की, एक कुरान करीम हफाज कर लें, आप सब कर सकते हैं कुरान करीम, एक पारा रोज़ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा नाजरा पढ़ने वाले को, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, 25 मिनट, इतने ही लगेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। हम इतना भी अल्लाह पाक के लिए निकाल सकते, हम अपने कारोबार के लिए निकालते, पार्टनरशिप के लिए निकालते, रिश्तेदारी के लिए निकालते, औलाद के लिए निकालते, सब के लिए। अल्लाह के लिए 45 मिनट भी नहीं निकालोगे, 45 मिनट सिर्फ, 45, एक पारा पढ़ना है ना। हाफिज़ को तो दो पारा पढ़ने के लिए, वो कम से कम एक पारा पढ़े, ध्यान से पढ़े, और अगर हो सके अगर पौना पारा पढ़ लें, आधा पारा पढ़ लें, 15 मिनट सिर्फ तफसीर में दे दीजिए। रोज़ की 15 मिनट टाइम बनाइए कि मैं आसान कुरान को खोलूँगा, 15 मिनट सिर्फ, 15 मिनट इसके अंदर लिखा हुआ क्या है ना। बाहर से एक दोस्त आए थे हमारे, जो हम लोग रात को वहाँ बैठते थे, तो बाहर से उसने कहा कि मैं आई एम सरप्राइज, वो कहता है बाहर वाला कि मुझे ताज्जुब है कि एक मुसलमान ही है कि जो समझता नहीं है अरबी। हमने उससे पूछा आपको अरबी आती है, अपने अरबी नहीं आती, बोला मुझे ताज्जुब है अरबी नहीं आती, सिर्फ अरबी पढ़ता है बगैर समझे हुए, एक ही किताब है दुनिया में पढ़ी जाती है, एक ही किताब है। वहाँ टॉप क्लास की वो जेंट्री बैठी हुई है, उसके अंदर वो आदमी बोलते हैं, और ग्रेड 22 का ऑफिसर ने ये बात कही, ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है, जनरल होता है, 22 का होता है ना, वो उस बात करता है। उसने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि एक कौम ऐसी है जो जो समझती नहीं है, समझ नहीं रही है, फिर भी वो पढ़ती है, मुझे ताज्जुब इसका, हर किताब को समझती है, हम इसके निकालते हैं, एक एक किताब 20-20 लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है ना। मैं जब सीनियर कॉलेज से आया तो मुझे पहला जो गिफ्ट मिलता है ना, मुझे दिया वो दिया था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। फिर मुझे उन्होंने दोबारा इस तरह उर्दू तजुर्बा दिया कि मीठे बोल में जादू है, दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब थी उस वक्त, कुरान और बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा ये किताब बिकी थी उस ज़माने के अंदर। अब फिर उसके अंदर फिर गुजराती में आई, कितनी किताब कितनी लैंग्वेज में है, सब के लैंग्वेज में हम देखते हैं। मैंने इंग्लिश में पढ़ी, फिर उर्दू में पढ़ी, उर्दू मैंने कितनी लोगों को गिफ्ट दी, बातें ये किताबें दी है ना, लेकिन एक कुरान करीम को हम कितनी नाइंसाफ़ी हमने की। अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दें, अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दें। अल्लाह से दुआ है हमें समझने की, पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह में तीन चीज़, कुरान करीम, अस्तगफार और दुरूद शरीफ खूब पढ़ना है। तो एक दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है, 10 गुना माफ़ होते, 10 दर्जात बुलंद हो जाते, अल्लाह की रहमत को तवज्जो होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, الحمد لله رب العالمين الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اني اسالك بيرضى لك الحمد لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة نفسي وزينة كلماتي يا من لنا فريد يا اخر الاخر يا ذي القبوليه يا راعي المساكين يا ارحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكيل حسبنا الله وكيل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله الله हाजरीन हम बैठे हैं, हम कमज़ोर हैं, हमें कुछ नहीं आता है अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, अल्लाह शर्मिंदा है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गदा हम ज़िंदगी हैं, हमने किसी चीज़ का अदा नहीं किया, आपकी अजमत का, आपकी मोहब्बत का किसी चीज़ का अदा करा ना किया, या अल्लाह हम बहुत शर्मिंदा है, हम सबको माफ़ कर दीजिए, पूरी उम्मत को माफ़ कर दीजिए अल्लाह। खुसूसन मुझे हाजरीन को मुतल्लिकीन, खुसूसन वो जो हुस्न ज़न रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, दुआ देते हैं, दुआ लेते हैं, हमारी रूहानी औलाद अल्लाह, हमारी आल औलाद और नस्लों को अल्लाह माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह माफ़ी के बाद अल्लाह आफिर सेहत कुल्ली अता फरमा दीजिए, सेहत कुल्ली आफिर दारैन के साथ, रज़ाए कामिल के साथ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे, खैर पे, रज़ाए कामिल के साथ, आफिर दारैन के साथ, आप मोहताजी वाली मौत अता फरमाइएगा, और विलायत खासा के साथ सिद्दीकीन, सालेन और शहदा और रज़ाए कामिल के दर्जे के साथ दुनिया से उठाना। अल्लाह छोटे मुँह बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं करेंगे, किससे करेंगे अल्लाह, किससे करेंगे अल्लाह। दोनों जहाँ की तमाम मुतल्लिकीन जितने भी हैं, खुसूसन मोहब्बत करने वाले हाज़रीन मजलिस, हमारे अजीज अकारिब जितने भी हैं, जहाँ पर भी हैं अल्लाह, जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, दुआ के लिए कहते हैं, उम्मीद रखते हैं अल्लाह, दोनों जहाँ की नेमतों से मालामाल फरमाइए अल्लाह, खूब दुनिया अता फरमाए, खूब आखिरत अता फरमाइए। तब बना आते ना फिर दुनिया हसना और फिर आखिरत हसना वकीना अज़ाबुन्नार।
आपकी नाफरमानी में ना गुजरे आपसे आपको मांगते हैं, आपका फजल, आपकी रहमत, आपकी मशीयत मांगते हैं, आपका आपका कुर्ब मांगते हैं। या रब रहीमी, रब अल्लाह तुझे कुलू बना पा दे जी तना माफ लना मिन लदुक रहमा इन्नक अंतल वहाब। اللهم اهدنا الى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين। اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين। اللہ ہماری آل اولاد کو, ہماری نسلوں کو, اللہ حاضرین غائبین متعلقین, اللہ اس کے ذر محبت رکھتے ہیں میری روحانی اولاد, ہماری اولاد, اللہ جہاں اور نسلوں کو اللہ یا ذل جلال و اکرام ہدایت عطا فرما دیجیے, اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے, اپنا بنا لیجیے, اپنا قرب اپنی معرفت عطا فرما دیجیے, تو جا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ اللہم اینی امرک زوال نعمت کا و تحول عافیتی کا مجاتی نعمت کا جمی سکری۔ اللہم اینی امرک جات البلائی و درک شکرائی و سوء القضاء و شات دیر آدائی۔ اللہم اکفنا بمشید اتنی ارجلو فی نورہم و سب شرورہم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغنی بفضلک من ثواب۔ اللہم اینی اسلک الافوا و العافیتا فی دینی و دنیا و اہلی و مالی۔ اللہم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم۔ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اجعلني عندك وليجا واجعلني عندك زلفى مسلما۔ يا رب الراحمين جو مانگا عطا فرما دیجیے, جو نہ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم ان لوگوں میں شریک پیدا کرنا, کسی کو اللہ جو ہلاک ہو جائے رمضان میں مغفرت نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے گا, اللہ مغفرت فرما دیجیے گا۔ اللہ ہم نے کوئی اعمال نہیں کیے مغفرت کے لیے, آپ کی رحمت کا صدقہ, اللہ آپ کی رحمت کا صدقہ, آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں معاف کر دیجیے گا, اور اللہ نیک کاروں میں شمار کر لیجیے گا, اللہ تقوی والوں میں شمار کر لیجیے گا۔ خاتمہ ایمان خیر پھر رضائے کاملہ کے دارے کے ساتھ آپ محتاجی والی موت عطا فرمانا, آپ محتاجی والی موت عطا, آپ محتاجی والی موت عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا تسلم يدنا ربنا تقبل منا انك تسميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔